हेलो गाइड्स, वेलकम टू वाचिंग माय वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ हैड बेटर। देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं, आपके लिए अंग्रेजी सीखना अच्छा होगा, आपके लिए यह काम करना बेहतर होगा, उसके लिए यहाँ पढ़ना बेहतर होता, तुम्हारे लिए यह दवा लेना अच्छा होता। यानी ये फ्यूचर और पास्ट दोनों के लिए हम हैड बेटर का प्रयोग करके ट्रांसलेट करेंगे। हैड बेटर, हैड बेटर मीन्स हिंदी में होता है अच्छा होगा, बेहतर होगा, अच्छा होता, बेहतर होता, यानी कि ये फ्यूचर और पास्ट दोनों के लिए है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड बेटर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस। पहला वाक्य है हमारे लिए अंग्रेजी सीखना अच्छा होगा, तो हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वी हैड बेटर लर्न इंग्लिश, वी हैड बेटर लर्न इंग्लिश। अगला वाक्य है उसके लिए यहाँ रहना बेहतर होगा, ऐसे वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, सी या ही हैड बेटर लिव हेयर, सी या ही हैड बेटर लिव हेयर। अगला वाक्य है तुम्हारे लिए यहाँ पढ़ना अच्छा रहेगा, तो ऐसे वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, यू हैड बेटर रीड हेयर, यू हैड बेटर रीड हेयर। अगला वाक्य है उसके लिए यह किताब खरीदना अच्छा होता। सो गाइड्स, यह देखिए पास्ट का सेंस दे रहा है अच्छा होता, तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ही हैड बेटर बाई दिस बुक, ही हैड बेटर बाई दिस बुक। अगला वाक्य है मोहन को यह दवा लेना बेहतर होता, तो ऐसे वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, मोहन हैड बेटर टेक दिस मेडिसिन, मोहन हैड बेटर टेक दिस मेडिसिन। अगला वाक्य है हम लोग को सुबह में टहलना अच्छा रहेगा, यह फ्यूचर का सेंस दे रहा है, ऐसे वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वी हैड बेटर वॉक इन द मॉर्निंग, वी हैड बेटर वॉक इन द मॉर्निंग। सो गाइड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हैड बेटर का प्रयोग करके हम किसी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सो गाइड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा और कुछ समझ में आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को